महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लगी है। आईसीयू में लगी इस आग से 10 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र से इस समय की बड़ी खबर, कई लोगों की चपेट में आने की खबर। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, बढ़ सकता है मरीजों की मौत का आंकड़ा। कई मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, कई मरीजों के जलने की आशंका। महाराष्ट्र से इस समय की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में लगी आग। आईसीयू में लगी इस आग में 10 लोगों की मौत। महाराष्ट्र से इस समय की बड़ी खबर, कई लोगों के चपेट में आने की खबर। बढ़ सकता है मरीजों की मौत का आंकड़ा। कई मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी उपलब्ध करवाइए। देखिए, जिंदा से अहमदनगर कलेक्टर ने जानकारी दी है कि अब तक करीब 11 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग जो है बुरी तरह से जख्मी है, 6 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जिनको मुंबई के अहमदनगर के अलग अलग हॉस्पिटलों में एडमिट किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात क्या, हॉस्पिटल में जो तमाम जो मरीज थे उनको कहीं कहीं दूसरे आसपास जो हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया गया। लेकिन यह आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन स्थिति बेहद भयावह है क्योंकि लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी किया गया था। हालांकि पुलिंग का काम अभी जारी है, लेकिन जो स्थिति बेहद नाजुक है और लगातार जो है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है क्योंकि स्थितियां बिल्कुल जो प्रतिकूल है, क्योंकि किसी को आईसीयू में रखा गया है तो किसी को वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो जाहिर तौर पर यह देखना बेहद जरूरी होगा कि किन बच्चों को किस स्थान पर शिफ्ट किया जाए और कहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यह जानकारी मिली कि 11 लोगों की मौत हुई है। जी सत्यप्रकाश, आग पर इस समय काबू पा लिया गया है? फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया, कूलिंग का काम लगातार जारी है क्योंकि लगातार जिस तरह से आईसीयू में आग लगी, फिर वार्ड में आग लगी है, वे कहीं कहीं बड़ी आग मानी जा रही है, L2 की यानी कि Level 2 की आग बताई जा रही है। ऐसे में कूलिंग का काम लगातार जारी है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज GOT, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।